स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के इस विशेष फेसबुक लाइव पर। मैं नितिन श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में, नौगढ़ इलाका है, नेपाल से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और हम जहाँ पर मौजूद हैं वो एक बजरंग दल का आत्मरक्षा कैंप, जिसको वो प्रांतीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग और शिविर कहते हैं, वो यहाँ पर चल रहा है। आज उसके समापन का दिन है और मेरे चारों तरफ बजरंग दल के सैकड़ों युवा कार्यकर्ता हैं जो तमाम तरह के करतब दिखा रहे हैं। आप देखें मेरे दाहिनी तरफ बहुत सारे ऐसे युवक हैं जो पिछले एक हफ्ते से इस कैंप पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस तरह से यहां पर पिछले 3 घंटे से नारेबाजी चल रही है, तमाम तरह के करतब हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले लाठियों से करीब 20 युवक आपस में लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे थे। उनके हिसाब से ये आत्मरक्षा करने का तरीका है जो वो सीख रहे हैं। हम क्यों हैं इस कैंप में, उसकी वजह ये है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बजरंग दल की इसी तरह के एक अयोध्या में लगे शिविर में खींचा गया वीडियो जो था वो वायरल हो गया था। और उसमें कथित तौर पर जो दुश्मन दिखाया गया था, उस दुश्मन को किसी एक विशेष समुदाय का बताया गया था। अभी आप देखिए सामने जो प्रैक्टिस हो रही है, ये इस वक्त थाली में आग लगी हुई है और ये आग से अपने मुंह में आग जलाकर बाहर निकाल रहे हैं और एक एक करके लोग वापस आ रहे हैं। ऊपर देखिए मंच पर जो तमाम प्रांतीय नेता हैं वो विराजमान हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आने की इजाजत मिली है हमें और खुद बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता भी हैं जो वीडियो बना रहे हैं अपने संगठन के लिए। ये देखिए इस तरह की कलाबाजी हो रही है, काफी ज्यादा जोश है यहाँ पे युवकों में, बड़ी हैरानी की बात है। हालांकि जो इनके तमाम अफसर हैं, जो नेता लोग हैं, उन्होंने ज्यादा बात करने से इनकार किया है, अभी तक उन्होंने बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ पर किसी तरह आने की इजाजत जरूर दी है। जैसे भी एक कर्तव्य होता है, जो कर्तव्य दिखाने वाले हैं वो अपने टोली के साथ पीछे की तरफ चले जाते हैं। वहाँ देखिए शेड्स में वो लोग बैठे हुए हैं और अगर मैं कैमरा घुमाकर आपको दिखाऊं, ये सरस्वती शिशु मंदिर है नौगढ़ का, शहर से थोड़ी बाहर का इलाका है जहाँ पर ये ड्रिल हो रही है। वहां पर उस तरफ देखिए झाड़ियां बनी हैं। ये लोग कहते हैं कि कथित तौर पर ये जो बाहर से दुश्मन आता है कथित तौर पर, उससे बचने के लिए लोगों को, युवकों को शिक्षा दे रहे हैं। हालांकि इस बात का जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है कि उस दुश्मन का नाम क्या है, क्या उस दुश्मन से कभी ये युवक आगे या इसके पहले प्रशिक्षित हुए युवक मिल चुके हैं या नहीं मिल सके हैं। पर साहस भेदों क्या कम है, हम साथ पीछे कमेंट्री भी चल रही है, बड़ी हैरानी की बात है। और इसके पहले तमाम तरह की पीटी देशभक्ति के गाने, जिसको ये लोग कहते हैं, वो गाने इन्होंने प्ले किए हैं। देखिए एक खेप खत्म होती है, दूसरी खेप तैयार हो जाती है दूसरे तरह का कर्तव्य दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ के जो बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के जो शीर्ष नेता हैं, उनसे जो हमारी बात हुई है, वो इस बात से इनकार करते हैं कि वो किसी विशेष समुदाय के खिलाफ उन्होंने ट्रेनिंग दी थी वहां पर, या उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि उनका निशाना कोई विशेष समुदाय था। आज जाहिर है हम यहाँ पर मौजूद हैं तो थोड़े प्रिकॉशन के साथ ये तमाम एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन और मजे की बात यह है कि एक दर्शक दीर्घा भी है, एक गैलरी है जहां पर बाहर से लोग आए हैं। उधर देखिए तमाम महिलाएं हैं, जो इनके मुताबिक ये लोग सब सिद्धार्थनगर शहर की महिलाएं हैं जो यहां पर इस कार्यक्रम को देखने आई हैं। और एक नए खेल की तैयारी शुरू हो रही है, कोशिश करते हैं वहां पास में चलकर इस खेल को करने देखने की कि कैसे करते क्या है ये। हालांकि आज ना हमें कथित तौर पर कोई रुमाल या उस तरह की चीज नहीं दिखी है जो ये कहते हैं बजरंग दल के लोग यहाँ पर, कि उस दिन जो एक्सरसाइज हो रही थी, जो वीडियो विवादास्पद है, उस पे उन्होंने
उसने टोपी नहीं, उसने रुमाल बांध रखी थी अपने सर पर। देखिए ये तैयारी कर रहे हैं, हमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के 10 जिलों से 150 के आसपास युवक यहां पर पिछले एक हफ्ते से इसी तरह के रियाज कर रहे हैं। ये काफी खतरनाक है, पास से देखने पर समझ में आता है। हालांकि जो यहां के अफसरान है वो कहते हैं कि उनके पास ट्रेन प्रशिक्षक है जो युवकों को ये सिखाते हैं। वो देखिए एक ट्रेन प्रशिक्षक गए क्योंकि आग दूसरे से बुझ नहीं रही थी, वो देखिए, और वो उसको कह रहे हैं कि आप उसको लेके जाइए, दूर लेके जाइए। ये प्रशिक्षक महोदय है जो ये नारंगी कमीज में। अब ये पेड़ पर चढ़ने की करता, तमाम तरह के करता, पीछे कमेंट्री चल रही है, बड़ा सा लाउड स्पीकर है, बहुत बहुत कंफर्टेबल मैं तो कम से कम नहीं महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर पिछले 4-5 घंटे से, क्योंकि जिस तरह की उत्तेजना, जिस तरह का एग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिल रहा है वो निश्चित तौर पर सामान्य नहीं है। और ये भी कह पाना मुश्किल है कि आखिर इतनी इस तरह की एक्सरसाइज, इस तरह की कथित तौर पर लड़ाई की तैयारी आग से निपटने वाली किसके लिए कर रहे हैं और क्या मैसेज जा रहा है, ये अभी बता पाना मुश्किल है। हालांकि ये लोग कहते हैं कि इसके बारे में इनकी जो पॉलिसी है, इनकी राय है, वो बहुत साफ है। वो कहते हैं ये सब कुछ कथित तौर पर आत्मरक्षा के लिए हो रहा है। नितिन श्रीवास्तव, BBC, बजरंग दल के एक आत्मरक्षा ट्रेनिंग कैंप सिद्धार्थनगर से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसमें शामिल होने के लिए।